नंबर 9 हमारी तंजीम में काम करता था, पैसों की लालच में पुलिस का मुखबिर बन गया और डीएसपी सज्जाद खान ने इसी के जरिए हमारे दो अड्डे पकड़े, जिसमें 25 लाख रुपए का सोना, हीरोइन और नशे के बीडी इंजेक्शन मौजूद थे। इसकी गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब ये आपके खौफ से मुल्क छोड़ने के इरादे से एयरपोर्ट जा रहा था। नेक्स्ट नंबर 10 अरसा 3 साल से हमारे साथ काम कर रहा है। इसने 20 लाख रुपए मालियत का सोना और हीरोइन गबन की, पुलिस के छापे का झूठा ड्रामा बनाया, हमारी तंजीम को पुलिस की धमकी भी दी। इसकी गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब ये सारा माल हमारे पुराने खरीदारों को फरोख्त कर रहा था। मैडम, हमारी ये गलती पहली गलती समझकर माफ कर दें। हमारे साथ काम करने वाले इंतहाई बुरे इंसानों को फरिश्ता बनकर जीना पड़ता है, क्योंकि फरिश्ते कभी गलती नहीं करते। हाँ मैडम, हम फरिश्ते नहीं, आखिर इंसान है। बेवकूफ, हम इंसान और इंसानियत के दुश्मन हैं। इन दोनों मुजरमों के जुर्म साबित हो चुके हैं। तंजीम के कानून के मुताबिक इन दोनों को सजाए मौत दी जाती है। मैडम, डीएसपी सज्जाद खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारी तंजीम को उस कमबख्त ने भी काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर आप कहें तो उसको भी रास्ते से हटा दिया जाए। नहीं एलिस, नहीं। हम कब तक कानून की ये दीवारें गिराते रहेंगे? डिप्टी खान को अपने रास्ते से हटाओ नहीं, बल्कि उसे अपने रास्ते पर लाने की कोशिश करो। इस मुल्क के हर इंसान को इस कदर परेशान कर दो कि उसे मां की गोद से ज्यादा माफिया की गोली सुकून दे। हमारा नशा आवाम के उस खून को सर्द कर दे जो मुल्क की वफादारी के लिए खोलता है। इस मुल्क के हर शहर में इस कदर धमाके करो
कि आवाम को हकूमत से नफरत हो जाए, मजहब के हर फिरके में फसाद कराओ ताकि हकूमत को मजबूरन इलेक्शन करवाना पड़े। हाँ, फिर जो हम चाहेंगे वही होगा। कितने संग दिल है, डरते नहीं किसी से, दिन रात खेलते हैं इंसानी जिंदगी से। इकबाल के चमन में, आयत के किस वतन में बर्बाद कर रहे हैं लाखों घरों के आंगन इंसानियत के दुश्मन। बिलाखौफ माल चेक करें। और हां, एक बात और, हमारा यह गोदाम शहर से इतनी दूर है कि यहां डिप्टी खान तो क्या फरिश्ता भी नहीं आ सकता मौत का। हेलो डिप्टी खान, तुम यहां भी पहुंच गए? हाँ, इंसानियत के दुश्मन समंदर की तह में भी हूं तो मैं वहां भी पहुंच जाऊंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं डिप्टी साहब, नहीं, हम जैसे इंसानियत के दुश्मन इतनी आसानी से जाने वाले नहीं। Thank you.
गुलामी है अभी, रख से जंजीर पहन कर भी किया जाता है। रख से चुप कर, कोई गाना नहीं गाना। ओके आसमान पर रहने वालों को जमीन का रंग कैसा लगा? ए दीप्ति साहब, जमीन पर मुंह के बल गिरे तो आप नजर आ रहे हैं। मैं कानून हूं और कानून ने गिरना नहीं सीखा। और एक बात अच्छी तरह याद रखना, डीआईजी साहब लाइन पर हैं। एलिस डिसोजा और शाका नामी आदमी तुम्हारी कस्टडी में है, कोई भी कार्रवाई किए बगैर उन्हें छोड़ दो। ये दोनों बहुत ही खतरनाक गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है सर। मैंने तुमसे जुर्म की तफसील नहीं मांगी, इन्हें अभी और इसी वक्त रिहा कर दो। लेकिन सर, दिस इज माई ऑर्डर। ओके सर। हमें आजाद कर दे दीप्ति साहब। ये तो हमें बर्बाद करना चाहता था। छोड़ दो इन्हें। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, पुलिस वालों ने हमें बड़ा मारा। दीप्ति सर, हम दोनों को बहुत दुख हुआ कि आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। कसूर तुम्हारा नहीं है, हमारी शुरू से यही बदकिस्मती रही है। कानून बनाने वालों ने कानून तो बहुत सख्त बनाया, लेकिन उसके मुहाफिज हमेशा कमजोर रहे। दीप्ति खान को शायद ये नहीं मालूम कि हमारी पहुंच उसकी कुर्सी से भी ऊंची है। आज अगर वो तुम्हें ना छोड़ता तो उसके सारे अख्तियारात उससे छूट जाते। ये सब ठीक है मैडम, लेकिन आप फिर भी दीप्ति खान का कुछ कीजिए। देखिए ना, उसने हमें उल्टा लटकाया और हमें हिचकी लग गई। वो इससे भी ज्यादा परेशानियां हमारे लिए खड़ी कर सकता है। एलिस ठीक कहता है मैडम, दीप्ति खान हमारे जुर्म के दरख्त को दीमक की तरह चाट रहा है। अगर उससे बचने की कोशिश न की गई तो हमारी पूरी तंजीम की जड़ें खोखली हो जाएंगी और फिर हमें जमीन पर गिरने और मिटने से कोई नहीं बचा सकेगा। शाका, यू नो, लोहा जितना भी ज्यादा सख्त उतनी ही जल्दी टूट जाता है। यू आर अंडरस्टैंड? ये बात समझाने के लिए हम खुद दीप्ति खान के घर जाएंगे। ये वक्त कल में आ गया। रैंक खान? जी सर। ये घरेलू गवर्नमेंट तो ठीक है ना? गड़बड़ है। क्यों? आपने 8 बजे आने का बोला था, ये इस वक्त क्या टाइम है? 11 बज रहे। उधर देखो, उधर उधर आंसू है, ये इधर गैस है। दोनों मिलकर क्या बना? आंसू गैस। पक्का पक्का मुजाहिरों का प्रोग्राम है, लाठी चार्ज भी हो सकता है। ये मरताल है। अच्छा देखते हैं। लगता है आज हमारे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो जाएगी। क्या ये मामला आमी मुज़ाकरात से तय नहीं हो सकता? अह
ये इमरजेंसी आपने नाफिस की? जी हाँ, जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे ये इमरजेंसी इसी तरह लगी रहेगी। मेरे जीने का सहारा है, तू मेरी जान मेरे जीने का सहारा है। ये जब तक दम प्यार होगा नहीं कम, ये वादा हमारा है। तू मेरी जान मेरे जीने का सहारा है, ये जब तक दम प्यार होगा नहीं कम, ये वादा हमारा है। तू मेरी जान मेरे जीने का सहारा है।
कौन हो तुम? हाँ, अच्छा वक्त। जो खुद चलकर आपके पास आ गया है डिप्टी साहब, या यूं समझ लें मैं आपकी रिश्तेदार हूं। समझा नहीं? हाँ डिप्टी साहब, दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता कानून और जुर्म का होता है। तुम्हें इतनी फिक्र अपनी बीवी के पास पहुंचने की नहीं होती जितनी मुझ तक पहुंचने की होती है। मैं इससे रिश्तेदारी और मोहब्बत की इंतहा न समझूं तो और क्या समझूं। $50,000 हर माह इतनी रकम आपके घर पहुंचेगी। आप सिर्फ अपनी आंखें और कान बंद रखिएगा। समझ गया, गालिबन तुम्हारा ताल्लुक गोल्डन गैंग से है। अरे वाह, बड़े समझदार हैं आप, इसलिए तो हम आपके विस्तार हैं। तो फिर क्या फैसला किया है आपने? इन मामूली से काम के लिए इतनी बड़ी रकम को ठुकरा देना बेवकूफी होगी। मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। ये आप क्या कर रही हैं? आप जुर्म का साथ देंगे, हराम खाएंगे क्या? हाँ, आपके मुंह लग गया तो आप भी खा लेंगे। बको मत, उठाओ अपनी हराम की कमाई और चली जाओ यहाँ से। जमीला, क्या हो गया तुम्हें? एक्सक्यूज मी, जो बात जानते नहीं बोलते नहीं, चलो अंदर। टिप्टी बड़ा समझदार है शानी, हमारी बात मान गया। आपने ठीक कहा था मैडम, लोहा जितना सख्त हो उतनी ही जल्दी पिघल जाता है। अब इस टूटे हुए लोहे को जुर्म की भट्टी में डालकर हम अपनी मर्जी का हथियार बनाएंगे। गलत सोचा है तुमने। ये लोहा टूटने वाला नहीं है मैडम। You are under arrest. बेवकूफ लगे हो डिप्टी, घर के तलाशी में ये काम हमने आते ही किया था। अक्ल से काम ना लिया तो याद रखो तुम्हारे रिकॉर्ड में सिर्फ तुम्हारे कारनामे रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा, ना तुम, ना बीवी और ना बच्चा। ठहरो, अपनी रकम लेती जाओ, तुम्हारी और मेरी जंग तो अब शुरू हुई है। अंजाम क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मुल्क में सबसे बड़ा नोट कितने का है? जी 1,000 का। हजार हजार के 20 नोट, यही तुम्हारी जान बख्शी की कीमत है। इस अड्डे पर मैडम का माल बिकता है किंग कॉन्ग, और माल की वसूली मैडम का खास आदमी जॉनी करने आता है। उनसे पूछे बगैर हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। और
कोई जानी का चमचा जो किंग कॉन्ग से जबान चलाए। अबे ओ सर्कस के किंग कॉन्ग, शायद तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि जहां जानी की हुकूमत हो वहां तुम जैसे गीदड़ मौत के खौफ से खुदकुशी कर लेते हैं क्या? इसका फैसला अभी और इसी वक्त हो जाएगा मिस्टर जॉनी कि हुकूमत किसकी है। इधर आओ और अपने इस मिट्टी के शेर को दफनाने का इंतजाम करो और उसकी कब्र पर लिख देना कि किंग कॉन्ग से टकराने वाला मौत की नींद सोता है। वाह मजा आ गया। कसम जानी आप बराबर गरम हुआ है क्या? उठाओ इसे और कॉरपोरेशन के ट्रक में लाद दो। ऐसे गन को शहर के हुदूद से बाहर होना चाहिए। मैडम यह है सोहराब गोट के अड्डों की वसूली। गोट तुम्हारा इनाम किस बात का? ये काम तो मैं आपके लिए हर महीने करता हूं और जिसकी मुझे मजदूरी भी मिल जाती है। हाँ। लेकिन ये इनाम किंग कॉन्ग को शिकस्त देने का है। ये आपको कैसे पता चला? गुड क्वेश्चन। किंग कॉन्ग को हमने ही भेजा था। वो किस लिए? वो इसलिए कि बंदूक को इस्तेमाल न किया जाए तो उसकी नाली को जंग लग जाता है। हम अपने बंदूक को अप टू डेट रखना चाहते हैं। किंग कॉन्ग की शिकस्त सबूत है इस बात का कि तुम हमारी तंजीम की मजबूत दीवार हो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वेलकम एंड गुड बाय। गुड बाय। मैडम आप जानी पे कुछ जरूरत से ज्यादा ही इत्माद करने लगी हैं। डिसोजा हम कभी गलत मोहरे को गलत जगह पर नहीं रखते। लेकिन मैडम अगर किसी दिन ये मोहरा पिट गया तो? शाका इंसान हालात की बेड़ी तो तोड़ सकता है लेकिन जज्बात के बंधन नहीं तोड़ सकता। जानी अपनी अंधी माँ और जवान बहन के मुस्तकबिल के उजालों के लिए जुर्म के अंधेरों में आया है। वो हमें कभी नहीं छोड़ सकता।
गोदाम में पड़ा हुआ माल तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन ये माल आप तक पहुंचने में जरा देर लगेगी। वो क्यों? वो इसलिए मिस्टर कोबरा कि आजकल सज्जाद खान नामी डीएसपी ने पूरे इलाके की नाकाबंदी की हुई है। हा 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 हा, ओके शागा, हम सब समझ गया। तुम डिप्टी को अपना लाइन पर लाना चाहता है। ओह यस यस। सी यू। ओके, हम तुम्हारा कॉल का इंतजार करेंगे। ऑलराइट। समझोगे तो उस वक्त जब कानून का मौला बख्श तुम्हारे सर पर पड़ेगा। से तेल निकलने की आस ना हो उसे मसल कर फेंक दिया करते हैं डिप्टी। डीआईजी साहब, कोबरा एक जेंटलमैन शरीफ आदमी है। तुम्हारा इस ऑफिसर ने सिर्फ खाना पूरी करने के वास्ते हमको एज ए स्मगलर अरेस्ट किया। डीआईजी साहब, अपने इस ऑफिसर को बता दो कि इसके ऊपर हमसे बेचा और हद के इज्जत का मुकदमा कायम हो सकता है। कानून अगर ऐसी धमकियों से डरने लग जाए तो इस मुआशरे पर मुजरिमों का राज हो। डिप्टी। यस सर। इससे कुछ माल पकड़ा? फिलहाल गोदाम को लॉक कर दिया सर, सुबह सारा माल चेक हो जाएगा। नहीं, अभी और इसी वक्त। वेरी गुड डिप्टी, ये सारा गोदाम तो चरस और गांजे की पेटियों से भरा पड़ा है। हीरे और सोना किन पेटियों में होगा? मैं कसम खाता हूं सर, जब मैं कोबरा को यहां से लेकर गया था तो यह गोदाम पेटियों से भरा पड़ा था। इस गोदाम की सील तुमने अपने हाथों से तोड़ी है, फिर यह गोदाम खाली कैसे हो गया? कहीं खुद तो नहीं गोल कर गए? सर, अपने हाथों से शरीफ आदमी की हथकड़ियां खोल दो। कानून का एक जिम्मेदार ऑफिसर मुझे इस तरह शर्मिंदा करवाएगा, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। खोल दो इसकी हथकड़ी। वाह, मान गए आपको। किस खूबसूरती से आपने हमारे लाखों के माल को गोदाम से निकालकर हम तक पहुंचाया है और हमारे कस्टमर मिस्टर कोबरा को डिप्टी खान के कानूनी शिकंजे से छुड़ाया है। आज पता चला है कि जुर्म जन्म थाने के बाहर लेता है
और जवान थाने के अंदर होता है, क्यों? मिस रीटा, हम जिसके दोस्त बन जाएं, उसका दुश्मन कोई नहीं रहता। माना कि कानून और जुर्म एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी मान लें कि वर्दी हमने कानून की पहन रखी है और वफादारी आपके साथ निभा रहे हैं। ये रहा आपकी वफादारी का सिला। थैंक यू। यू आर वेलकम। बशीर साहब, ये डिप्टी सज्जाद खान कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश में नहीं है, आपका क्या ख्याल है? अगर आप कहें तो उसे दो चार नीम की गोलियां खिला दें। नहीं मिस रीटा, डिप्टी सज्जाद का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, वरना उसकी मौत के बाद सारे मुल्क की पुलिस अलर्ट हो जाएगी और फिर जो कुछ हम कर रहे हैं वो मुश्किल हो जाएगा। डिप्टी खान से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अंधेरे में भी अपनी आंखें खुली रखें। अरे हाँ माँ जी, याद आया, बहुत जल्द आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा क्या, और फिर आप देखने लग जाएंगी। सच भैया? हाँ गुड़िया, बस माँ जी की आंखें ठीक हो जाए और तेरी डोली इस घर से उठ जाए, यही मेरी जिंदगी की मंजिल है। अरे भैया मैं तो भूल ही गई, वो बॉबी आई थी अपने डिस्को शो की दावत देने के लिए। फिर भैया मैं भी चलूं आपके साथ? देख रही माँ जी? नहीं साइमा, जानी बेटे को अकेला ही जाने दो, डिस्को शो में तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है भैया, देर भी हो रही है और बॉबी बहुत इशार भी कर रही थी, अब तो उसका डिस्को शो शुरू भी हो चुका होगा। Hey!
आज से एक साल पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मुझे वो दिन भी याद है जब तुमने गुंडों से मेरी इज्जत बचाई थी। गो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन तुम्हारे होते हुए मैं अपने आप को अकेली नहीं समझती। जॉनी, तुम्हें मेरा ये काम करना अच्छा तो नहीं लगता होगा। मैं तो खुद मजबूरी में जहर पीता हूं बॉबी, तुम्हें कैसे रोक सकता हूं। बस यूं समझो कि हम दोनों एक ही हाथ की कठपुतलियां हैं। मैडम, आप आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाली हैं। हम तो खुद एक खजूर हैं डीआईजी साहब, जिस पर चढ़ना मुश्किल और गिरना मौत है। बजा है, लेकिन अभी डिप्टी खान का जाल नहीं टूटा कि नवाब गंजफर अली बेगान पहुंचा है। अच्छा, तो वो क्या हमारा रिश्ता मांगने आ रहा है? उसका रिश्ता सिर्फ आवाम से है, वो एक इशारा करे तो लाखों का हुजूम सड़क पर आ जाए। एक मामूली हाकर से लेकर हुक्मरान तक सभी उसकी इज्जत करते हैं। वो बहुत बड़ा लीडर है मैडम, उसकी पार्टी का मंशूर है कि वो स्मगलर्स को खत्म कर देगा। इससे पहले भी वो कई स्मगलर्स तख्तेदार तक पहुंचा चुका है। उसके अख्तियारात और हमारे इंतकाम की जब टक्कर होगी तो आवाम देखती रह जाएगी। डीआईजी साहब, उस लीडर के बच्चे को जरा आने तो दे। वतनी अजीज लौटे हैं। सियासी हलके में आप पहले लीडर हैं जो आवाम और मौजूदा हुकूमत में यकसा मकबूल है। इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? कब होना चाहिए इलेक्शन? मेरे भाई, इलेक्शंस की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब मौजूद हुकूमत पर से आवाम का एतमाद उठ जाए, और अगर हुकूमत मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम रखे और मुल्क आवाम की सोच के मुताबिक तरक्की कर रहा हो तो फिर ये बेवक्त इलेक्शन जरूरत नहीं होती। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ, एक बात याद रखना, मुल्क की मुआशी और इक्तसादी तरक्की को अगर कोई चीज रोकती है तो वो बार बार का इलेक्शन और बार बार का मार्शल लॉ लगता। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी मुसाफिर के सामने मंजिल का निशान तो मौजूद हो लेकिन वो रास्ता भूल जाए। थैंक यू सर। आपसे मिले नवाब साहब। आप ये मुल्क के सबसे होनहार डिप्टी सज्जाद खान है, मुल्क दुश्मन ताकतों के खिलाफ सबसे बड़ी मजबूत और तनहा चट्टान। इनकी कारकर्दगी की रिपोर्टें मुझ तक पहुंचती रही। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। आइए।
थैंक यू। ठहरिए, डीआईजी साहब से मिलने हम अकेले जाएंगे। ओके, बाय बाय, बाय बाय। सर, आप और यहां कोई इमरजेंसी थी तो मुझे कॉल कर लिया होता। डीआईजी साहब, हम कानून और कानून वालों का बहुत एहतराम करते हैं। मुल्क में रहें या मुल्क से बाहर, इक्तदार की कुर्सी पर हों या जेल के अंदर, हम हर तरफ से बहुत बाखबर रहते हैं और जानते हैं कि कानून की जिम्मेदारियां कौन किस तरह से निभा रहा है। जी जी, एक अच्छे लीडर में यही सिफत होती है नवाब साहब, जो मुल्क में सरकारी सतह पर काम करने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी का उसे बताओ। आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं? जी, मैं समझा नहीं। हमने कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया डीआईजी साहब। हम जानते हैं कि आप अपने इख्तियारात को बरूए कार लाकर बहुत कुछ कर सकते हैं, मसलन जुर्म के भयानक चेहरे पर पर्दा डाल। मुल्क और कौम की जड़ें खोखली करने वालों की हौसला अफजाई करना और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बोलने वालों की जुबान बंदी कानून के कलम या बंदूक की गोली से कर लेना। बहुत इख्तियारात हैं आपके पास। मेरे इख्तियारात के बारे में जो सोच है आपकी वो गलत है नवाब साहब। ये मेरी सोच नहीं, आपके बारे में वो रिपोर्ट है जो मुझ तक पहुंची है। हर साल गाड़ी का मॉडल बदलते हैं आप, बहुत बड़ा बंगला है आपका, बैंक बैलेंस भी बेहिसाब है। नहीं, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के पास ये सब कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं नवाब साहब, और शायद आप यह भूल रहे हैं कि अभी आपके इख्तदार की सीढ़ी चढ़ना है और मैं असर इख्तदार हुकूमत का नुमाइंदा हूं। मिस्टर डीआईजी, हुकूमत से डरते तो हम आवाम के लीडर नहीं, किसी स्कूल के मास्टर होते। एक बात आज के बाद अपने जहन की डायरी में नोट कर लेना, आवाम की मोहब्बत बहुत जल्द हमें इख्तदार की कुर्सी तक ले जाएगी और वो दिन मुल्क की सालिमियत बर्बाद करने वाले और अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाने वालों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हाँ, आखिरी दिन। ये ले रुमाल,
और अपना पसीना पोंछ लें और इसे अपने पास रखें, इसलिए कि हमारी बातें फिर याद आएंगी और पसीना फिर आएगा। यहां से कोई मशकूक गाड़ी गुजरी है? नो सर। इसका मतलब यह है कि वो खबर गलत थी कि यहां से हेरोइन और सोना स्मगल होने वाला है। फोन करके लोग यही परेशान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इस ट्रक को चेक क्यों नहीं किया? सर वो सरकारी ऑर्डर नहीं था। चलो था और कहां गया है? बता दो मोहन क्लब।
माल की वसूली। ओह गुड मैडम, आप तो सिर्फ गुड कह देती हैं, लेकिन आपका माल उधर से इधर और इधर से उधर करने में हमें कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ता है। क्या छी, मौत से इतना डरते क्यों हो जानी? मौत तो जिंदगी की हिफाजत करती है। नहीं, एक दिन जिंदगी का खात्मा कर देती है और समझ लो कि आज तुम सबका यौम हिसाब है। हिसाब किताब का खाता अब तुमसे खोलना ही पड़ेगा डिप्टी। हम तो चाहते थे कि तुम भी हमारे वफादारों के सफ में आ जाओ, लेकिन शायद मुल्क से मोहब्बत और कानून से वफादारी का कुछ ज्यादा ही शौक है तुम्हें। Thank you.
भैया को, किसी से क्या झगड़ा हुआ है? माँ माँ क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया जानी? कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ नहीं हुआ, बस एक्सीडेंट हो गया था। वो तो अच्छा हुआ भाभी आ गई, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता। खुदा ना करे, कैसी बातें करते हो बेटा। भाभी बेटी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया माँ जी। जॉनी की जिंदगी जितनी आप लोगों को प्यारी है उतनी मुझे भी। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। छोड़ा ही उसे, गौर से देखोगे तो वो तुम्हें मेरी आंखों में मिलेगा। उसे मेरे हवाले कर दो, वरना जिन आंखों में वो रहता है मैं वो आंखें ही निकाल दूंगा। डिप्टी साहब, मोहब्बत में हम पहली बार तो अंधे नहीं होंगे। खुदा ने तुम्हें हर चीज दी है, सेहत, हुस्न, अक्ल, फिर वो कौन सी कमी है तुम में जिसे पूरा करने के लिए तुम इस काले कारोबार में आ फंसी हो? और क्या तुम्हारे साथ फंस जाऊं? मुझे तुम्हारी अदाएं नहीं, इकबाले जुर्म चाहिए। तुम बहुत पछताओगे डिप्टी, बहुत पछताओगे। ऐसी धमकियां मुझे और दिलेर बना देती है लड़की। और आपका फोन? डीएसपी खान स्पीकिंग। हाय हाय, माशाल्लाह, क्या आवाज पाई है आपने, सुनते ही दिल के तार बजने लगे हैं। कौन बोल रही हैं आप? चलिए हड्डी भी, अपने जाने वालों को आप पहचानते ही नहीं। क्या? मैं रीता बोल रही हूँ, डीएसपी साहब। मुझे यकीन था तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रखा तो जरूर तिल मिलाओगी मैडम रीटा। वैसे माशाल्लाह कितना प्यारा और खूबसूरत है आपका बेटा। ये आपके साथ बात करने को बहुत बेचैन है। जब से आया है डैडी 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 की रट लगा रखी है। जॉन सर से बात तो करो डैडी। पिंटू डैडी, डैडी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, वरना वरना ये लोग मुझे मार देंगे। डैडी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। नहीं बेटा, घबराना नहीं,
मैं जो हूं। डैडी वाह, बाप बेटे में बड़ी मोहब्बत है। हाय हाय, काश मैं इसकी माँ होती तो आप मुझसे भी मोहब्बत करते ना जॉन। राम साथी जलील कमीनी मक्कारात। हमारी यही तारीफें ही तो हमें बूढ़ा नहीं होने देती। बॉबी को छोड़ दो डिप्टी, और आइंदा आइंदा हमारी ताबेदारी में रहने का ऐलान करो, वरना तुम्हारे इकलौते बच्चे के इतने टुकड़े करूंगी, इतने टुकड़े करूंगी कि खुर्दबीन से भी नहीं ढूंढ सकोगे। बोलो बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? सुन, तेरा बेटा मर गया तो सिर्फ दो इंसान रोएंगे, एक उसकी मां और एक उसका बाप। लेकिन बॉबी और तो जैसी औरतें जिंदा रही तो सारी इंसानियत रोएगी। इंसानियत के नाम पर अपने बेटे को कुर्बान करने का ऐलान करता हूं। हाँ। सोलह घंटे गुजर चुके हैं मैडम, ये क्या फैसला किया है आपने? फैसला तो हो गया है शाका, बच्चा कत्ल होगा। नहीं आंटी, आंटी प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत कहिए, आंटी प्लीज मुझे कुछ मत कहिए, आंटी प्लीज। बच्चे को गोली मार दो और इसकी लाश टिप्टी को तोहफे में भेज दो। अंकल अंकल मुझे छोड़ दे, आंटी आंटी मुझे छोड़ दे प्लीज। हेलो, जड़ काटो मगर कच्ची शाख मत तोड़ो मैडम। क्या टिप्टी को सीधा करने का यही मौका है जानी? नहीं मैडम, यही तो आपकी भूल है। जिसकी कमर में अकलौते बेटे की गुमशुदगी से बल नहीं पड़े उसके उसूल कोई भी सदमा नहीं तोड़ सकता। और वैसे भी इस मासूम ने हमारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो कहता हूं इसे जाने दीजिए। खूब, बहुत खूब, वापस कर दे उसके बेटे को ताकि उस सांप का जहर और बढ़ जाए। बच्चे के अगवा के बाद डिप्टी जख्मी शेर बन गया है और जख्मी शेर सांप से ज्यादा खतरनाक होता है शाका। मैडम, डिप्टी को मेरी तलाश है और उसके कब्जे में मेरा प्यार है। मुझे बॉबी की रिहाई हर कीमत पर चाहिए। बच्चा जानी के हवाले कर दो। शहर के एक गुंडे को घसीट कर हमारे पास लेकर आओ, उनमें से कोई ना कोई तो उस मैडम को जानता होगा। अगर ये अंकल ना होते तो वो लोग मुझे मार ही देते। डीएसपी साहब, आपकी बेटी की जिंदगी
और अपनी मौत के बदले में मैं सिर्फ बॉबी की रिहाई चाहता हूं। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, बॉबी को छोड़ दिया है, लेकिन ये जो कुछ तुम कर रहे हो क्या ये जायज है? दुनिया में अगर सब कुछ जायज होता तो 1,24,000 पैगंबर क्यों आते? इतनी अच्छी सोच रखने वाले की इतनी बुरी तरबियत किसने की है? पहाड़ की चोटी से बिला वजह आज तक पत्थर यूं ही नहीं गिरा, अगर गिरा तो किसी तूफान से या भौचाल से। वो भौचाल वो तूफान अगर आपकी जिंदगी में आया होता डीएसपी साहब, तो मेरी तरह आप भी किसी ना किसी मैडम के साथी होते। सर, बॉबी इससे मिलने आई है। भेज दो उसे। क्यों आई हो यहां? कल तुम्हारी माँ की आंखों की पट्टी खुल रही है जॉनी, और माँ ने जिद कर रखी है कि वो सबसे पहले तुम्हारी सूरत देखेगी। इतनी मस्तशुदा सूरत देख के क्या करेगी वो? चाहो उसे कह दो कि जानी किसी और शहर चला गया है। डिप्टी साहब, आपकी मिसेज ने आपसे अपनी बीमारी छुपा कर रखी है। सॉरी टू से, उन्हें लंग्स कैंसर है। कैंसर? जी हाँ, खून की उल्टी इस बात की दलील है कि वो इस बीमारी की आखिरी स्टेज पर है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, वक्त जाया किए बगैर प्लीज इन्हें फॉरन हॉस्पिटल ले जाएं। जमीला, क्या हुआ? तुमने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया जमीला? क्यों छुपाया मुझसे? इसलिए कि आप परेशान ना हो। डॉक्टर ने कहा है मेरी बीमारी लाइलाज है, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, नहीं बचूंगी मैं जिंदा। तुम्हें कुछ नहीं होगा जमीला, तुम जिंदा रहोगी, तुम जिंदा रहोगी। पुराने खिदमतकारों से इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं होती डिप्टी साहब। सरा माथे के बल तो ठीक कर लीजिए। मेरी बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, मुझे इसको डॉक्टर के पास पहुंचाना है, मुझे जाने दो। ओहो, हमने इसकी मौत का मुंह आपकी तरफ मोड़ दिया है। जरा नीचे तो आइए, आइए ना। ओहो, अब आप ही जाइए। देखो, इस वक्त मेरा रास्ता ना रुको, मैं वादा करता हूं अपनी बीवी को अस्पताल छोड़कर सीधा यहीं वापस आऊंगा। मैं आपकी महबूबा तो नहीं हूं डिप्टी साहब,
कि आपका इतनी देर इंतजार करूं। मैं तुम्हारी मौत हूं डिप्टी, सिर्फ मौत। और मौत मोहलत नहीं दिया करती। दुश्मनी तुम्हारी मुझसे है, मैं मरने के लिए तैयार हूं। एक बेगुनाह को क्यों सजा देना चाहती हो? मुझे इसे अस्पताल ले जाने दो प्लीज। अरे मैडम, हाय 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 हाय, मेरा दिल धक 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 कर रहा है। इसकी बीवी तो वैसे भी जाने वाली है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, किसी वक्त पांव भी पड़ जाऊंगा, इसे जाने दो ना। ठीक है, जाओ प्यारे, हमारी तरफ से इजाजत है। अरे अरे, जरा ठहरिए तो सही। हाँ हाँ, न जाने क्यों, जब तुम जाने का कहते हो तो मेरा दिल डूबने लगता है। हाँ, ऐसा क्यों निकाल लेते कि तुम इस बीवी को छोड़ दो, एक और शादी कर लो। शाका, टिप्पी साहब को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, इनकी इतनी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो कि ये दोनों मियां बीवी आराम से हॉस्पिटल जा सके। हाँ, कोर्ट इज इन सेशन। योर ऑनर, डिप्टी साहब ने अपने बयान में यह इस्तदा की है कि अपना केस खुद प्लीट करेंगे। डिप्टी साहब, आप मेरे इन क्लाइंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गंदे खून की पैदावार। ये तीन चेहरे गौर से देखिए वकील साहब, ये इंसान नहीं, हैवान से ज्यादा नजिस और नापाक है ये। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, डिप्टी साहब जज्बात में आकर मेरे मुवक्किलान की तौहीन कर रहे हैं। योर ऑनर, इन्हें ये हुक्म दिया जाए
कि ये इंसान के लिए इंसान की जबान इस्तेमाल करें। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर सज्जाद खान, अखलाक इदारे में रहकर बयान जारी रखें। थैंक यू योर ऑनर। वकील साहब, अगर आपका जमीर जिंदा है तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो कुछ आपने कहा है वो झूठ है। इनको मुजरिम बनाकर कटहरे में लाना झूठ है। इनके हाथों आपकी बीवी का कत्ल झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है वकील साहब, सच। आप इनके गुनाहों पे पर्दा इसलिए डालना चाहते हैं कि गालिबन इन्होंने आपको लाखों की फीस दी होगी। अगर आज आपने इन दरिंदों को बाइज्जत शहरी साबित करने की कोशिश की तो मैं ये समझने पर मजबूर हो जाऊंगा कि वकील इस मुल्क के कानून के पहरेदार नहीं बल्कि थोक के वो व्यापारी हैं जो छोटी छोटी कोठरियों में बैठकर इंसाफ फरोख करते हैं, जो सच को नहीं झूठ को जिंदगी देते हैं, झूठ को। आप हद से आगे बढ़ रहे हैं डिप्टी साहब। आप इन मुस्लिम शहरियों की ही नहीं वकला की भी तौहीन कर रहे हैं। वकील तो हक और सच का वकील होता है, तवायफ नहीं होता वकील साहब, कि जिसने पैसे दिखाए उसी के लिए नाच उठे। इन्हें गौर से देखिए, इन भयानक चेहरों को गौर से देखिए वकील साहब। ये आपके मुवक्किल नहीं मुजरिम है, ये आपके दोस्त नहीं दुश्मन है, बल्कि आप ही के नहीं सारी इंसानियत के दुश्मन है। ऐसी तकरीरें मोची दरवाजे में अच्छी लगती हैं डिप्टी साहब, अदालतों में नहीं। आपने मेरे इन क्लाइंट्स पर यह इल्जाम लगाया है कि इन्होंने आपकी बीवी को कत्ल किया है और आपके सामने किया है। क्या आपके पास कोई दूसरा चश्मदीद गवाह है? यहां है मेरे पास वो चश्मदीद गवाह है वकील साहब, जिसे ये अदालत तो क्या अवाम भी तस्लीम करेगी कि वो सच्चे हैं। योर ऑनर, इस वारदात के चश्मदीद गवाह हैं अवाम के मकबूल लीडर जनाब नवाब साहब। नवाब साहब को गवाही के लिए बुलाया जाए। योर ऑनर, इसमें शक नहीं कि नवाब साहब की जात सच्चाई दयानत। गुज़श्ता कई सालों से इन्होंने स्मगलिंग, चोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ जो जहर उगला है वो तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। जनाब नवाब साहब, कानून के एक जिम्मेदार ऑफिसर के कहने पर आपको अदालत में आज इसलिए तलब किया गया है कि इंसाफ के तराजू का एक पलड़ा आपके हाथ में है। मेरा कहने का मकसद ये है कि फैसला आपकी गवाही पर होगा। फैसला नहीं, इंसाफ होगा वकील साहब। करेक्ट। आप ये फरमाएं कि डिप्टी खान की बीवी का कत्ल आपके सामने हुआ? या योर ऑनर, मैं एक जरूरी मीटिंग अटेंड करके आ रहा था कि मैंने कुछ गुंडों को डिप्टी साहब पर हमला करते देखा। इन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया लेकिन इस लड़ाई में कुछ गोलियां इनकी बीवी को लगी और वो बेचारी मेरे सामने दम तोड़ गई। इसका मतलब यह है कि आपने उन कातिलों को भी जरूर देखा होगा। देखा ही नहीं, पहचान भी सकता हूं वकील साहब, क्योंकि वो भागते हुए बिल्कुल मेरे करीब से गुजरे थे और उनमें से दो मेरी गाड़ी से भी टकरा कर गिरे थे। अच्छा, तो फिर आप ये बताइए नवाब साहब कि क्या उन कातिलों में ये तीन मुलजिम भी शामिल थे?
आपकी नजर इतनी कमजोर तो नहीं नवाब साहब? देर इसलिए लगाई वकील साहब के मेरी गलत शनाख्त कहीं इंसाफ की तौहीन न करवा दे। इन तीन शरीफ इंसानों को तो मैं पहली बार देख रहा हूं। योर ऑनर, जिन कातिलों को मैंने देखा वो कोई और थे। ये झूठ बकता है योर ऑनर, झूठ बकता है। ये मेरी बीवी का खून इन लोगों ने इसके सामने किया था योर ऑनर, इसकी बातों का यकीन मत कीजिएगा, झूठ बकता है ये। योर ऑनर, मेरा ख्याल है डिप्टी साहब अपने झूठे जज्बात में अदालत को उलझाना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने अपने ही आदमियों के हाथों अपनी बीवी को कत्ल कराया हो और अब उसकी जगह किसी और को लाना चाहते हो। या यह भी हो सकता है कि वो अचलन हो। कमीने! वकील ने तो सिर्फ अपनी जबान बेची है, तूने अपना जमीन भी बेच डाला है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इन दरिंदों को। छोड़ दो मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इन दरिंदों को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो जस्सा। इसे हिरासत में ले लिया जाए। अदालत के सामने जो अखलौता चश्मदीद गवाह पेश किया गया उसकी सच्चाई मुल्की और अवामी सतह पर मुसल्लम है, लिहाजा इस गवाही वकील सफाई की बहस और मुकदमे के रिकॉर्ड को पेश नजर रखते हुए अदालत मुल्जमान मैडम रीटा, एलएस डिसोजा और शाका को बाइज्जत बरी करती है। सज्जाद खान ने एक जिम्मेदार पुलिस अफिसर होते हुए तौहीन अदालत की है, अदालत इस जुर्म में उसे मुअत्तल करती है। भरी अदालत में नवाब साहब पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में अदालत एक साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। कानून कब था अंधा, अंधा किया गया है। इंसाफ का तराजू अब टोलने लगा है। कानून कब था अंधा, अंधा किया गया है। इंसाफ का तराजू अब टोलने लगा है। ये झूठ को सराहे, सच को मिले सजाए। दौलत के हाथ में है दुनिया के दिल की धड़कन। इंसानियत के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, दुश्मन। क्यों नहीं आते? मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं कि किसे नींद नहीं आती, और यह भी जानता हूं कि किन लोगों की वजह से नींद नहीं आती, यह भी जानता हूं। Thank you.
तुमने मौत का नाम सिर्फ सुना होगा, मुनाफिक इंसान, लेकिन शायद मौत को कभी देखा नहीं होगा। देखो मुझे ताकि तुम्हें मालूम हो कि मौत कितनी भयानक होती है। देखो मुझे। हाँ हाँ, तुम्हें मुझ पे इसी तरह लानत भेजनी चाहिए खान बेटे, इसलिए कि किनारे के साथ चलने वाले इंसान को कभी अंदाजा नहीं होता कि पानी कितना गहरा है। उसकी गहराई जानने के लिए डूब डूब कर उभरना पड़ता है और उभर उभर कर डूबना पड़ता है। भरी अदालत में सच सूली चढ़ गया और झूठ की जीत हो गई। जानते हो क्यों? जानता हूं, इसलिए कि तुमने मैडम से अपनी जबान और जमीर की कीमत वसूल की है। नहीं नहीं, इसलिए कि मैडम के कब्जे में मेरी इकलौती पोती थी। मैं डिप्टी खान नहीं था कि कानून की खातिर अपने इकलौते बेटे की परवाह न करता। वो उस पोती मेरे खानदान की आखिरी निशानी थी। मैं मजबूर होकर मुनाफिक बन गया। बेटा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं तो आपको माफ कर दूंगा नवाब साहब, लेकिन आप लीडर हैं और लीडर के सामने हर रोज कोई ना कोई मजबूरी आती रहती है। आज तो आपने अपने जमीर और जबान का सौदा कर लिया, लेकिन ऐसा ना हो कि कल किसी मजबूरी में मुल्क का सौदा कर बैठे। ऐसा ना कहो खान बेटे, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। सच पूछो तो मुझे एहसास ही आज हुआ है कि तारीख अपने औराक में उन्हीं जियानों को जगह देती है जो झुकना और बिकना नहीं जानते। मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा, तुम्हारे दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लूंगा। ये काम आपका नहीं, मेरा है नवाब साहब। स्टेज पर आकर तकरीर करने में और सर धड़ की बाजी लगाने में बहुत फर्क है, और इस फर्क का आपको एक साल बाद पता चल जाएगा। साल? साल के बाद तुम्हारे दुश्मन कहां से कहां होंगे तुम सोच भी नहीं सकते। जिस कानून के लिए तुमने अपने इकलौते बेटे की बाजी लगा दी, आज वो कानून तुम पर थूकता है। माजी की आन डिप्टी खान आज कानून का सबसे बड़ा दाग है। अगर अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना चाहते हो खान बेटे, तो साल के 365 दिनों को एक दिन बनाकर जेल से बाहर आ जाओ। कानून से बगावत और जेल से फरार का मशवरा आपकी नजरों में अच्छा सही, लेकिन इसका अंजाम उस वक्त बहुत बुरा होगा जब डिप्टी खान जेल तोड़ेगा। फिर उसके इंतकाम की आग से हम सबका बचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मिस रीटा, कुछ नहीं। अपनी तंजीम को बचाने के लिए मैंने सांप को जख्म लगा दिया है, और सांप जख्मी हो जाए तो उसको चींटियां चाट जाती हैं। मेरा मशवरा मानकर अगर डिप्टी खान कानून का बागी हो गया तो फिर कानून ही के हाथों मारा जाएगा। ये कैसे होगा इसका फैसला डिप्टी खान के जेल तोड़ने के बाद होगा। Thank you.
वेलकम मिस्टर जानी, बैठो। ये सीट मैंने खाली कर दी मैडम। हमारी दी हुई सीटें मौत के बाद ही खाली होती है मिस्टर जानी। मैंने ये सीट माँ और बहन की खातिर ली थी और उन्हीं की खातिर छोड़ रहा हूं। गुड। लेकिन इतनी लंबी जिंदगी के दिन और रात सिर्फ जज्बात के सहारे नहीं गुजर सकते। दौलत की खातिर जज्बात को कुचला नहीं जा सकता। आज के बाद मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हैं। क्या ए मिस्टर, अगर मेरे पास आने का फैसला गलत था हाँ, तो मुझे छोड़कर जाने का फैसला उससे भी ज्यादा गलत है। आप सिर्फ गलत का मतलब समझती हैं और मैं गलत और सही में फर्क भी जानता हूं। आज के बाद मैंने आपके साथ काम करना छोड़ दिया है, लिहाजा प्लीज आप मेरा पीछा करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलो। माँ, गुड़िया। शुक्र है खुदाया, सुबह का भूला घर आ गया। माँ, पूछ सकता हूँ कि तुमने अपने बेटे को कैसे माफ किया? ये सेहरा बॉबी बाजी के सर है भैया। बॉबी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगा। मैं उतार दूंगी। इसने माँ को बेटा दिया है, मैं ये बेटा इसी के हवाले कर दूंगी। खुशियों से महका है दामन, खुशी
जॉनी ने हमारा साथ छोड़कर तंजीम की तौहीन की है मैडम रीटा, उसे जल्द से जल्द मौत के घाट उतार देना चाहिए। अरे नहीं नवाब साहब, सुतून गिर जाए तो छत डोलने लगती है और हमारे कारोबार के सबसे ज्यादा मजबूत स्तून तो सिर्फ दो ही हैं, एक मिस्टर जॉनी और दूसरा टीआईजी बशीर खान। और सबसे बड़ी बात ये है कि चीफ साहब उन दोनों को अपना बाजू समझते हैं और हम उनकी इजाजत के बगैर ये बाजू नहीं काट सकते। मैडम, टीआईजी बशीर खान साहब आए हैं। मैडम रीटा, मेरा ख्याल है मैं अब चलता हूँ, मेरा बशीर खान के सामने आना ठीक नहीं है। अरे ठहरिए नवाब साहब, बशीर खान भी तो हमारे लिए ही काम करते हैं, क्यों ना आज उनके साथ आपका तारुफ हो जाए। नहीं नहीं रीटा, आप तो जानती हैं कि मेरे दो चेहरे हैं, एक जुर्म की तस्वीर और दूसरा अवाम की तकदीर, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई कमजोरी डीआईजी बशीर खान के सामने आए, इसलिए मैं उसके सामने आना नहीं चाहता। लेकिन हम आपके सामने आ गए हैं नवाब साहब, आपको यहां देखकर मैं हैरान इसलिए नहीं हुआ कि अदालत का बयान पढ़कर मुझे आप पर शक हो गया था। आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले नवाब साहब, लीजिए पसीना पोंछ लीजिए नवाब साहब। थैंक यू। इसे आप अपने पास रखिए नवाब साहब, इसलिए कि यह आपका है। उस वक्त ये रुमाल आपने शायद मुझे आज के लिए दिया था। अरे छोड़िए बशीर साहब, आप तो बेस में ही पड़ गए हैं। आज हम आपसे नवाब साहब का मुकम्मल इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। ये हमारी तंजीम के वाइस चेयरमैन हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी तंजीम की दो अहम सीटें आप दोनों के पास है। जी नहीं, अब आपसे क्या पर्दा बशीर साहब, हमारे बिग बॉस, हम सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले हमारे सरबरा मिस्टर ब्राउन हैं, जिन्हें हम चीफ के नाम से याद करते हैं। चीफ मिस्टर ब्राउन, वेरी गुड वेरी गुड। आप उनसे हमारी मुलाकात कब करवाएंगे? अरे सब्र से काम ले बशीर साहब,
आहिस्ता आहिस्ता हम आपको आखिरी सीढ़ी तक भी ले चलेंगे। मैडम चीफ ऑन द लाइन। हेलो हेलो चीफ साहब, बड़ी लंबी उम्र पाई है आपने, अभी अभी आपकी का जिक्र हो रहा था जी। हाँ ठीक, कल मैं और नवाब साहब सुबह 10 बजे आपकी तरफ आ रहे हैं। शायद तुम्हें याद हो हमने कहा था कि हमारी अगली मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी। प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचने का रास्ता तय करने का तरीका हम बता कर गए थे। तबला नवाब साहब, आपको कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर इसलिए भेजा गया था कि आप वहां से किसी बड़ी ताकत का कोई खूबसूरत सा नारा लेकर आए तो नई नस्ल आपके साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता उलट दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुकूमत चल रही है और आप इस मुल्क में इस तरह जी रहे हैं जैसे कोई गैर मुल्क नामा निगार। लेकिन जज्बों के सहारे जागने वाली कौम वाले का बच्चा नहीं होती चीफ, जिसे लोरी देकर सुला दिया जाए। इस कौम को भड़काने और भटकाने के लिए हर मोड़ पर एक मीर जाफिर चाहिए, और मीर जाफिर हमारे पास जरा कम है। दरवाजा नहीं, चार दरवाजा दिखाओ मिस रेटा, और अगर नहीं दिखा सकती तो हमसे पूछो, हम बताते हैं। हंगामे, हड़तालें, एजिटेशन, तोड़ फोड़, अफरा तफरी, ये है वो हथियार जिनके सामने एटम बम रखने वाली ताकतें भी घुटने टेक देती हैं। हम तुम्हें बारूद देकर गए थे, आप क्यों नहीं लगे उसमें अब तक? इख्तदार की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे? सूरज की रोशनी का इंतजार उसे होता है चीफ जो अंधेरों में डूबा हो। अभी तुम सिर्फ अंधेरा फैला रहे हैं, लेकिन जब भी अंधेरे फैलाते हो कोई ना कोई डिप्टी खान रोशनी की मशाल लेकर इस कौम को रास्ता दिखा देता है। आपने ये नहीं सुना कि हमने उसे सजा क्या दी है? सर से पांव तक कानून के बने हुए उस इंसान को हमने कानून ही के शिकंजे में कस दिया है।
कहे तो उसे खत्म करवा दे। नहीं, चौराहे पर कुछ माजूर लोग इसलिए बिठाए जाते हैं कि उन्हें देखकर इंसानों को अपने हाथों और पांव की कद्र मालूम हो सके। सलाखों के उस पार कानून के सबसे बहादुर और दलेर ऑफिसर को चीखते चिल्लाते देखकर कोई भी कानून का महाफिज हमारे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश नहीं करेगा। और याद रखो, हम बेखबर नहीं। अपने दोस्तों के साथ अपने दुश्मनों के चेहरे भी हर वक्त हमारी नजरों के सामने रहते हैं। लेकिन जानी ने हमारा साथ छोड़ दिया है चीफ। तंजीम के असूलों के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत का ऑर्डर दिया जाए। जाने की रिपोर्ट से पता चलता है कि वो एक बहादुर आदमी है और हमारी तंजीम को बहादुरों की हर वक्त जरूरत रहती है। तुम एक बार फिर उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करो। आपने मुझे याद किया था। सुना था बहुत पहले तूफान नूह आया था जिसमें कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ चंद जोड़े बचे थे और वो भी इसलिए कि उनके साथ पैगंबर था। तुम कैसे बचोगे? हाँ, तुम्हारे साथ तो कोई पैगंबर नहीं। मेरे साथ मेरा खुदा जो है। खुदा हमेशा ताकतवर का साथ देता है। जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर हाथी होता है, लेकिन उसकी मौत का सबब एक मामूली चींटी बनती है। और फिर मैंने अपने जमीर की अदालत में बार बार शर्मिंदा ना होने का फैसला कर लिया है। लेकिन हमारी अदालत का फैसला तो अभी बाकी है। अदालत, तुम्हारी अदालत जो भी फैसला करे उसकी परवाह नहीं है मुझे। मुझे खुशी है तो इस बात की है कि मैंने जिंदगी की सच्चाई को फिर से पा लिया है। पलट कर जरा अपनी माजी की तरफ तो देखो, सच्चाई ने तुम्हें क्या दिया है? दर दर की ठोकरें, फाके। तुम्हारी अंधी मां और बहन बेबसी और मुफलसी की जिंदगी गुजार रही थी, तो वक्त की रोटी नहीं थी तुम्हारे पास। मैडम, ये तो बुद्धू है, इसे ये तो बता दें कि चीफ ने 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी मौत के अहकामात जारी कर दिए थे। इसे दोबारा अपने साथ मिलाने के लिए आप एक बार फिर इस पर मेहरबान हो गई, वरना अब तक तो ये फिनिश। मौत की धमकियां मेरे इरादों को नहीं बदल सकते। कान खोलकर सुन लो और जाओ अपने चीफ को भी जाकर बता दो कि मैं अब तुम्हारी काली दुनिया में वापस आना नहीं चाहता। मुझे मेरी दुनिया में ही रहने दो, वरना जैसे मुझ जैसा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, मेरे जैसा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। क्या? Don't show, Talis. मैं चाहती तो इसे बारूद के ढेर में दफन कर देती, लेकिन नहीं, यहां इसकी मौत सिर्फ हम देखते हैं। मैं इसे ऐसी भयानक मौत दूंगी जो सारी दुनिया में तहलका मचा दे। ये कब और कैसे होगा?
इसका फैसला अभी करना है। जल्दी चलो। जल्दी चलो। यहीं रोक दो। आली जनाब, मोहतरम किबला, सज्जाद खान साहब सल्लमहु, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। काबे से यूं कुफर फूटेगा ये तो कभी मैंने सोचा भी ना था। ये मेरी मजबूरी है। हाँ, तुम्हारी मजबूरी हो तो जायज, हमारी मजबूरी हो तो जुर्म। इतना मुनाफिक कानून तो मैंने पहली बार देखा है। तो मुझे गलत समझ रहे हो। कितने बाइख्तियार हो तुम, हमसे बंदूक छीनने आते हो तो भी सही, खुद बंदूक चलाने जाते हो तो भी सही। आज मान लो डिप्टी खान कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है कि जब जुर्म उसकी जरूरत बन जाता है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि जुर्म इंसानी जिंदगी के लिए एक जहर है। लेकिन यह भी तो मानो, कभी ना कभी यह जहर खुद अपने हाथों पीना पड़ता है। क्या मुझे इस रास्ते से रोकने वाला आज इसी रास्ते का मुसाफिर क्यों है? मान ले या आप सही थे या मैं गलत हूं। तुम में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है जानी कि तुमने मजबूरी में मुजरिमों का साथ दिया और मैं मजबूरी में मुजरिमों को खत्म करने जा रहा हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि कानून ने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। लेकिन यह कानून शिकन आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप मेरी सजा थे लेकिन मैं आपका दोस्त हूं। आज के बाद आपकी और मेरी दोस्ती मिसाल बन जाएगी डिप्टी साहब। अजी नवाब साहब, आज यकीन आ गया कि खुदा ने जो दिमाग शैतान के लिए तख्लीक किया था वो गलती से आपकी खोपड़ी में फिट हो गया है। हम अपने हलके के इबलीस हैं मैडम रीटा, जिसे चाहे बदकार करते हैं। देख लो चाल कैसी चली है। सज्जाद खान अगर पुलिस की गोली से बच भी गया तो अवाम इनाम के लालच में उसे मार देंगे। हैरत है अभी तक खबर क्यों नहीं आई, कहीं शहर तो नहीं छोड़ गया? अरे नवाब साहब, ये कंबल इतनी आसानी से हमें छोड़ने वाला नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि सज्जाद खान इसी शहर में है। खड़क सैया, सत श्री अकाल। कौन है ये? हमारे अड्डे के नजदीक मशकूक हालत में घूम रहे थे। ओए मशकूक नहीं, असी मशकूक हालत ही घूम रहे सा। कौन हो तुम? मेम साहब जी,
मेरा नाम खरक्सिया ते ए ठरक्सिया ते एस काकी दा नाम बंतो है ते एक और गल दसा ए नूरजहां दी बड़ी आशिक है ते असी सारे दे सारे फनाकार हां फनाकार क्या मतलब ओ फनाकार दा मतबल ते दस रखसिया खरक्सिया ओ जी ओ दा मतलब है के असी फना फनाकार दा मतलब है के असी कौन बजाना लिया बार्डर दे कोल आए सा मलका दे पिंड बताई थे ते नाले मुंडिया दा व्याह भी सी ते उन्हां ही मुंडिया दियां अबूथा परा कर सुनता भी सन कवेले ना निकले सा बोल के बॉर्डर क्रॉस कर गए जदू बॉर्डर क्रॉस कीता पता लग गया असी पाकिस्तान पहुंच गए हां सानू अमृतसर पहुंचा दोगे अमृतसर तो क्या हम तुम्हें दिल्ली तक पहुंचा देंगे पहले अपना म्यूजिक तो सुनाओ मैं क्या खड़कसियां ते खड़कसियां हो जाओ शुरू बंदा बड़ी पैड़ी नसल दा लगता है ए गुरु लाड़ी ठीक कहंदी है खड़कसियां आओ खड़कसियां ते फिर चुक ले पैर वाह गुरु दी बदन चो मस्ती फुटदी नैन तेरे अंगारे गोरे बदन चो मस्ती फुटदी नैन तेरे अंगारे फुल गलिया ने तेरे कोलो आसे मंगे उधारे वेख के तैनू पहली नजर मर जान कुवारे ओ हुसन पंजा बनदा जदो ढुंड विच लिशका मारे ओ हुसन पंजा बनदा Thank you.
कदी प्यार दी बाजी हारी छड़ दे नहीं फिर सारी हयाती बांफड़ के एक वारी बांफड़ के एक वारी तुसी की मेरी कदर पछानो मेरी ऊंचिया शाना खूबसूरत चालाक और बुरी आंखें इस 14वीं सदी में सिर्फ एक शख्स की हो सकती है और वो है DSP सज्जाद खान और ये है हमारे कदरदान मेहरबान जानी पहचानी शख्सियत जानी बड़ी मेहरबानी क्यों DSP साहब कैसे पहचाना हमारे दिमाग की दाद नहीं दोगे तारीफ करो ना यार तुम्हारी भयानक मौत की तारीफ सिर्फ मैं ही नहीं सारा जमाना करेगा एलिस बरोबर ठीक बोला बड़े भाई ने क्या गलत झूठ बोला बड़े भाई ने अब फैसला ये छोटा भाई करेगा वहां तक जानी लाया था मैडम ओ, तो आसमान से तारे तोड़ने का ख्वाब जानी ने देखा है हाँ, और दूसरी इतला यह है मैडम कि जानी अपनी माँ और बहन को लेकर हमारी साहब का क्लब डांसर भोभी के घर चला गया है आई सी तो ये चंद कीड़े मकोड़े मिलकर पहाड़ को गिराना चाहते हैं नो ऐसा कभी नहीं होगा हमसे गद्दारी करने की सजा पॉपी और चानी को जरूर मिलेगी साहिबा बाजी अरे भाई घर में अंधेरा क्यों कर रखा है Come on!
तुम्हारी पिटाई करना इसलिए जरूरी था कि सुना है सर में चोट लगने से गुमशुदा यादाश्त वापस आ जाती है। शायद तुम्हें अपने पुराने दोस्त भी याद आ गए हों। क्यों? इसे सब कुछ याद है मैडम, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत भूल गया था। ए! चुप कैसे मेरे कान में बता दो कि तेरा फुफ्फुड़ डिप्टी कहाँ है। तुम सबकी कब्रों पर, लगने वाली तख्ती पर सब कुछ रख दूंगा। ना 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 ना, ये 20वीं सदी है मेरे दोस्त, और इसमें मौजज़े नहीं होते। हमारी मौत से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी बूढ़ी माँ, जवान बहन और खूबसूरत महबूबा कहाँ है? इसकी माँ और बहन को लेकर आओ। खुदा के लिए इसे मत कुछ कहो, इसे मत कुछ कहो, इसे छोड़ दो। इसके बदले में मुझे जान से मार डालो, मुझे जान से मार डालो। अरे नहीं नहीं, हम इतने गुस्ताख तो नहीं कि जाने की जन्नत को अपने ही हाथों से बर्बाद कर दें। बात मरने की आई तो सिर्फ आपका बेटा ही मरेगा, लेकिन नहीं, प्लीज प्लीज मम्मी, इसे अपनी ममता का वास्ता देकर जरा समझाइए ना कि ये हमें डिप्टी खान का पता बता दे। मैं शेर को तुम जैसे सुअर भेड़ियों के सुपुर्द नहीं करूंगा। बेशक मुझे मार दो। ठीक है, ये काम हमारे लिए कुछ ऐसा मुश्किल तो नहीं, लेकिन उससे पहले अपनी छोटी सी दुनिया की इन तीन हस्तियों को जरा गौर से देख लो। हम चाहे तो तुम्हारी आंखों के सामने ऐसी कयामत बर्पा करें कि तुम खुद ही मर जाओ। शैतान खुदाई दावे जरूर करता है, मगर उसके हिस्से में सिर्फ जिल्लत ही आती है। जॉनी, हमें खुदा के सुपुर्द समझो, जान दे देना, मगर जो ये लोग कह रहे हैं वो मत करना। अगर तुम्हारी वजह से एक सच्चा और ईमानदार इंसान मिट गया तो कानून और इंसाफ की मौत होगी। आने वाला वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वक्त की रफ्तार तो हमारे हाथ में है हसीना। तुम्हारी जज्बाती तकरीर से हमें ये अंदाजा हो गया है कि डिप्टी खान के चाहने वालों की तादाद कुछ बढ़ रही है। हाँ, इसकी फिक्र न करो इस रीटा, यानी जुबान जरूर खोलेगा। यानी कि बहन और महबूबा को अड्डा नंबर 2 पे ले जाओ। एलिस, यानी कि मां को बुढ़ापे की कैद से आजाद कर दो। किसी खैराती हॉस्पिटल के बाहर फेंक दो, होश आएगा तो हमारे खिलाफ किए हुए इसके सब फैसले बदल जाएंगे। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है जानी। दुश्मनों ने मेरे साथ तुम्हारा भी सब कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन हम भी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे जानी। वो हमारे हाथों जिल्लत की मौत मरेंगे, जिल्लत की मौत। नहीं, सिर्फ तुम मरोगे, और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं मिस्टर सज्जाद कि मेरा निशाना कितना पक्का है। मैं जानता हूं कि आपका निशाना बहुत पक्का है सर, लेकिन काश आप भी जान जाते
कि मुझे इस हाल तक पहुंचाने वाले कितने भयानक और मुल्क दुश्मन लोग हैं। मुजरिम मैं नहीं सर, मुजरिम वो है। जी मेरा बच्चा। डैडी अभी तक क्यों नहीं आए? उसका रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है, वो हमसे बड़े दूर है। ए छोटू, बहुत समझदार बाप के, बहुत समझदार बेटे हो। कौन हो तुम? हम तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बाप के मेहमान हैं प्यारे बच्चे। तुम्हें तो हम इसलिए लेने आए हैं ताकि तुम्हारे बाप से मुलाकात आसान हो जाए। खंजीर का बच्चा, जो कि सब को तुम हमारे लाश पर से गुजर कर लेके जाएगा। तो हमने कब कहा है कि हम तुम्हारी लाश पर से नहीं गुजरेगा? अब तुम्हारी ख्वाहिश हम नहीं, ये छोटू पूरा करेगा। रहीम चाचा को नहीं, अपने बाप को आवाज दो, बाप को, इसलिए कि हमें उसकी जरूरत है। इमरजेंसी मीटिंग इसलिए कॉल की गई है कि आज हमें बहुत से अहम फैसले करने हैं, और उन फैसलों में सर फहरिस्त हमारा कारोबार और इस मुल्क का इक्तदार है, जिसे जल्द से जल्द हासिल करके हमें अपनी तंजीम के चीफ मिस्टर ब्राउन के हवाले करना है। लेकिन ये सब कुछ तो डिप्टी खान के मरने के बाद ही होगा नवाब साहब। इस मीटिंग में आने से पहले मैं डसने वाले तमाम सांप पटारी में बंद करके आया हूं मिस्टर बाटलर। मैं तो समझता था कि बेटे की मोहब्बत वतन से वफादारी के अंदाज बदल देगी, लेकिन लगता है कि तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत है। इस कौम का हर बच्चा मेरा बेटा है कमीने। किस कौम की बात करते हो डिप्टी, जो इनाम के लालच में तुम्हारा सर काटना चाहती है? इस कौम में तुम जैसे गद्दार पैदा होने की रस्म तो है, लेकिन तुम भूल गए हो
अगर इस कौम ने तारीख का सबसे बड़ा यजीद पैदा किया है तो सबसे बड़ा शहीद भी पैदा किया है। तुम जिस सीढ़ी पर कदम रखकर इख्तदार की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हो, मैं वो सीढ़ी आज भी खींचने का आजम लेकर आया हूं। अरे वाह वाह, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी नवाब साहब के खान जब बोलता है तो सत्ताधारी कर देता है। लगता है इसे जीना रास नहीं आएगा। क्यों ना इस मुर्दा शहर की वाहिद जिंदा आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। टॉनी, इसके चाहने वालों को ले आओ। डैडी, बिंटू, बिंटू, लगता है डिप्टी साहब को बहुत प्यार है तुमसे। अरे भाई देख क्या रहे हो, डिप्टी साहब के इन प्यारों को गोली से उड़ा दो। अभी सो, मां की मौत का बदला और अपने गुनाहों का कफारा आज तुम लोगों की मौत से अदा करूंगा। ना सोचो कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया है, ये सोचो कि जिनके लिए तुम हमें मारना चाहती थी उन्होंने तुम्हें क्यों मारना चाहा। जुर्म के रिश्ते जुड़ने में ना देर लगती है और ना टूटने में वक्त लगता है मैडम। खुदा ने औरत को इंसानियत की गोद बनाकर जमीन पर उतारा, लेकिन तुम इंसानियत की दुश्मन बन गई। सोचो कयामत के रोज फरिश्ते जब तुम्हारा तारुफ करवाएंगे तो क्या कहेंगे, यह है वो औरत जिसे पैगंबरों, वलियों और शहीदों को जन्म देने के लिए जमीन पर उतारा गया, लेकिन यह बदकार और बदचलन लोगों का साया बन गई। सोचो, खुदा के लिए जिंदगी की पहली और आखिरी नेकी करते हुए इतना बता दो कि चीफ का डका है, ताकि हम इंसानियत के दुश्मनों को मार सके और तुम अपने अंदर के इंसान को बचा सको। या कह दो कि तुम इंसानियत और कानून से पैदाइशी नफरत है जिसे तुम बदल नहीं सकती। नहीं,
आज तुमने इतना कुछ कह दिया है डिप्टी, काश काश तुम मेरे मासी की किताब खोलकर देखते तो तुम्हें उस पर लिखी तहरीर से पता चलता कि कितना एहतराम करती थी मैं तुम्हारे कानून का। मेरा बाप इस तंजीम का चेयरमैन था, नफरत थी मुझे और मेरी माँ को उसके इन कामों से। उसने उसने हमारी खातिर चुर्क की ये दुनिया छोड़ दी तुम्हारे कानून ने, उसे हमसे छीन कर मौत दी। बात बात यही खत्म हो जाती तो अच्छा था। तुम्हारे कानून ने मेरा और मेरी माँ का जीना मुश्किल कर दिया। पुलिस के तशद्दुद से मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। कानून वाले हर बार एक ही सवाल पूछते, माल कहाँ है सातो, माल कहाँ है सातो, माल कहाँ है सातो, माल कहाँ है। माँ की मौत के बाद कानून की नाइंसाफियों से तंग आकर मैं रीटा से, मैडम रीटा बन गई और बाप की सीट संभाल ली। आज आज आपने फिर से मेरे अंदर की सोई हुई औरत को जगा दिया है साहब। आपने जो मुझ पर एहसान किया है उसके बदले में, उसके बदले में मैं आपको चीफ के अड्डे पर जरूर लेकर जाऊंगी। लेकिन चीफ और उसके अमले को धोखा देने के लिए आपको मुझे मुजरिम बनाकर कड़ी लगानी होगी। जैसे लोग ना होते
तो दुनिया में तारीख का वजूद ना होता। लेकिन डिप्टी, तुम जैसे तारीखी लोगों का अंजाम इतना बुरा क्यों होता है? वो आप जो हुसैन की शहादत को यजीद की फतह समझती है, वो हमारे अंजाम की अजमत को नहीं देख सकती। जिस कानून की खातिर तुमने हमारे जरायम के उड़ते हुए पंछी के पर काटने की कोशिश की, उस कानून ने तुमसे तुम्हारी वर्दी छीनी, वकार छीना, और जिंदगी तुम्हारी आज हम छीनेंगे। इस कौम और कानून के लिए कयामत तक जिंदगी मिलती गई तो कयामत तक मरता रहूंगा। खूब, बहुत खूब। डिप्टी, अगर तुम जैसे दो चार महाफिज़ कानून और हो गए तो फिर हम जैसे मासूम लोगों का तो खुदा ही हाफिज। मिस रीटा, तुम्हारा दिलकश हुस्न, भरपूर जवानी और शोख निगाहों के तीर सबके सब खाक धूल पत्थर, इसलिए कि तुम्हारे हुस्न के जाल में ये दो लोटन कबूतर अब तक नहीं फंस सके। इसलिए कि कुछ लोग हुस्न परस्त नहीं वतन परस्त होते हैं। वो मिट तो सकते हैं लेकिन अपने मिशन से नहीं हटते। क्यों क्यों नहीं कहते? डिप्टी के पुख्ता अज़्म ने तुम्हें हमारा गद्दार बनने पर मजबूर कर दिया है। ये आपने कैसे सोच लिया चीफ? हम अपने कारंदों के अंदर बैठ के सोचते हैं। अगर तुम्हें मौत का खौफ ना होता तो तुम इन्हें यहां तक न लेकर आती, और ये दोनों अपनी मौत तक हमारी सूरत न देख सकते। बस अब हमें इंतजार है अपने एक और मेहर। आपके कहने पर मैं डीआईजी साहब को ले आया हूं चीफ। वेलकम डीआईजी साहब, वेलकम। तशरीफ लाइए। ब्राव, डीएच ब्राव, डीआईजी बशीर खान। बड़ी दरीना आरजू थी आपको हमसे मिलने की। देख लीजिए, हमने हर वो पर्दा हटा दिया है जो आपके और हमारे दरमियान हायल था। बहुत अच्छा किया आपने। आज आपको यहां देखकर यकीन हो गया है कि हमें जब भी मारा अपनों ही ने मारा है। बेवकूफ हो तुम, जो कौम खुद नहीं संभलती उसे मैं और तुम क्या सहारा दे सकते हैं? अगर तुम फर्ज के साथ वक्त के साथ भी चलना सीख लेते तो आज तुम्हारा शुमार भी इनके दोस्तों में होता। लेकिन तारीख में हमारा नाम जाफर और सादिक जैसे गद्दारों की फहरिस्त में होता। याद रखना, तारीख तुम्हें भी कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हारा भी नाम वतन फरोशों
और गद्दारों के साथ लिखा जाएगा। DIG बशीर खान खान। किस किस को मारोगे DIG? ये वतन भरा पड़ा है वफादारों से, मारो मुझे। नहीं DIG साहब, नहीं। जिनकी मौत का यकीन हो चुका हो उनकी बातों का बुरा नहीं मनाया करते। और ये मस्कीन ये तो मुर्दा है, और मुसलमान मुर्दा को गाली नहीं दिया करते। ये तेरी खुशकिस्मती है कि वक्त तेरा साथ दे रहा है दरिंदे, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को डाल देता और लोग सदियों तक तेरे भयानक अंजाम को याद रखते। लोग याद तो भी रखेंगे मेरी जान, और वो ये कि आज तक तो कानून के हाथों मुजरिम और मुजरिमों के हाथों कानून वाले मरते आए हैं, लेकिन आज एक कानून वाले की मौत दूसरे कानून वाले के हाथों होगी, जो कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। और ये ख्वाब हमने बहुत पहले देखा था, जिसकी तावीर आज DIG साहब के हाथों सच होगी। मैं समझा नहीं। हम समझा देते हैं। DIG साहब, आप हमारे मोहसिन हैं, हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। क्या उस दोस्ती के नाते आप हमारी छोटी सी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करेंगे? क्यों नहीं, आपकी यह ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आपकी खातिर ये एक जान तो क्या, अगर आप कहें तो हम अपना सर काट के भी आपके सामने पेश कर सकते हैं। DIG साहब, वेल डन। हमें आपकी दोस्ती पर फख्र है। थैंक यू। सिर्फ आप तो क्या, आज के बाद इस मुल्क का बच्चा बच्चा मुझ पर फख्र करेगा। अपने सरबान को लगाम दे। बहुत बोल चुका है तू, अपने इन पालतू कुत्ते से अगर किसी ने बारूद इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं तेरे जिस्म के लोथड़े उड़ा दूंगा। मान गए DIG साहब, आपने शतरंज की बिसात बहुत खूब उल्टी है। लगता है हमारी दौलत भी आपके गले से कानून की वफादारी का पटा नहीं उतार सकी। कानून की वफादारी का पटा किस्मत वालों के गले में होता है। तूने और तेरी पार्टी ने यह समझा था कि दौलत देकर तुम मेरा ईमान खरीद लोगे, यह तेरी भूल थी, धोखा था। मुझ में और DSP खान में सिर्फ इतना फर्क है, ये शाखे काट रहा था और मैं जड़ तक पहुंचना चाहता था। ये आपकी भूल है। DIG साहब, ये जड़ जमीन में इस कदर फैली हुई है कि इसे काटना आपके बस की बात नहीं। उम्मीद है मुझे कुछ और कहने की जरूरत पेश नहीं आएगी, आप समझ गए होंगे। वाह नवाब साहब वाह, मान गए साहब, एक बार बाजी फिर हमारे हाथ आ गई।
ये खिलौना फेंक दीजिए डीआईजी साहब। डैडी, डैडी। इंसान, तूने सियासत का झूठा लिबादा ओढ़कर सिर्फ आवाम ही को धोखा नहीं दिया है बल्कि उन सच्चे लीडरों की भी तौहीन की है जिनका मरना और जीना सिर्फ और सिर्फ इस वतन के लिए है। तो जैसे वतन परोशों को अब इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तुमने क्या किया रीटा? मैं तो मर गए आपको बचा सकते थे सर, इसलिए कि जब तक इंसानियत के दुश्मन जिंदा है आप जैसे इंसान को मरना नहीं चाहिए, मरना नहीं। आ, आ, thank you.
मुल्क की सरहदों से निकल चलो। कमांडर, हसरतों के मजार को जलता हुआ देख ले ब्राउन, देख। ये वही जगह है जहां से तुम मेरे वतन की जवान नस्ल को हीरोइन सप्लाई किया करते थे। ये वही जगह है जहां तू बैठकर मेरे वतन के टुकड़े टुकड़े करने के मंसूबे बनाया करता था। लेकिन आज मैं तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा कुत्ते, कि तेरी चीख हवाओं में मिलकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगी और तेरे अंजाम से खौफ ज़दा होकर तू जैसा शैतान ज़हन मेरे पाक वतन के चमन में जराइम का पौधा लगाने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। नहीं सजाद खान, कानून तुम्हें इंसानियत के दुश्मन खत्म करने पर तमगा जुर्रत तुम्हारी वर्दी तरक्की के साथ तुम्हें वापस कर देगा। पाकिस्तान।